नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए आपने शायद ही सुना होगा या देखा होगा। अक्सर वो कई मंचों से मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम मोदी की दो नीतियों की तारीफ कर दी है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी सरकार में महिलाओं के लिए लाई गई उज्ज्वला स्कीम और इसके साथ ही लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना एक अच्छा कदम है। चलिए रुकर देख ली खबर की ओर। कानपुर के ही बैगनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीन अपनाने का मामला सामने आया है, जहां गुलाल की जमीन पर दबंग हाजी अजमत नाम का भू माफिया कब्जा कर रहा है। और जबकि इस जमीन को गुलाम अहमद ने ही खरीदी थी, मगर भू माफिया ने इसको लेकर बता दें कि कब्जा कर लिया है और पीड़ित गुलाब अहमद शिकायती पत्र लेकर ACP से लगातार वहां पर कानपुर कमिश्नर से शिकायत कर चुका है, और लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दबंग हाजी दबंग अजमत अवैध तरीके से मकानों में कब्जा कर रहा है और फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने बताया है कि उसकी जमीन को भू माफिया ने जानवर रखने के लिए कुछ दिनों के लिए लिया था, मगर वे कीमती जमीन देखकर भू माफिया की नीयत खराब हो गई और कब्जा कर लिया। पीलीभीत में आगामी होली के त्यौहार के मद्देनजर अब खाद्य विभाग ने नकली मावा और मिठाइयों की दुकानों पर जमकर छापेमारी शुरू कर दी है, और इसी के मद्देनजर शहर के मशहूर पवन स्वीट्स पर SDM और खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ही छापेमारी कर्मचारियों के द्वारा छापेमारी की गई और यहां पर रसगुल्ला, पनीर, भुजिया और मावा से बनी मिठाइयों के सैंपल भरे गए। और वही खाद्य विभाग के अधिकारी शशांक त्रिपाठी का कहना था कि नकली मावा और मिठाइयों को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुकानदारों के ऊपर भय बना रहे और बढ़िया माल की वो सप्लाई लोगों को करे, इसलिए छापेमारी की जा रही है। त्यौहारों पे हमारे यहाँ शासन के निर्देश पे विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिनके क्रम में 1 तारीख से अभियान चल रहा है और आज शहर में यहाँ से पवन स्वीट्स नक्का दाना चौराहे के पास से सैंपलिंग की जा रही है। बुलंदशहर से खबर है, जहां SSP श्लोक कुमार सिंह द्वारा ही परेड की सलामी ली गई है और परेड के उपरांत आगामी पर्व होली को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत दंगा नियंत्रण के लिए बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया है और SSP बुलंदशहर द्वारा ही कर्मचारियों का टर्न आउट चेक किया गया है और प्रतिशार निरीक्षक को पुलिस लाइन परिसर में हमेशा स्वच्छता रखने, सरकारी संपत्ति की देखभाल करने और अभिलेखों को संभाल कर रखने सहित सरकारी वाहनों की समय पर चेकिंग करने आदि आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस के द्वारा ही पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें पुलिस अधिकारी और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आगामी त्योहार होली और शबे बारात को लेकर सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन टाडा के निर्देशन में सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर और CO फर्स्ट द्वारा थाना कुबुद शेर क्षेत्र के ही सिटी प्लेस में आगामी त्योहार होली को लेकर ही यहाँ पर गणमान्य व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई। और सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि थाना कबूत शेर क्षेत्र में एक पीस कमेटी की बैठक रखी गई थी, जिसमें मौजूद लोगों को शासन प्रशासन के निर्देशों के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों को सभी लोग शांति के साथ मनाएं। अंतर्गत एक पीस कमेटी की बैठक रखी गई थी, आने वाले जो होली शब बारात या अन्य हमारे त्यौहार हैं वो क्षेत्र में इस ज़िले में अमन चैन शांति के साथ सभी लोग मनाएं प्यार मोहब्बत के साथ, इसी बात का संदेश देने के लिए क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया था और शासन प्रशासन के जो निर्देश थे उनको बताया गया और सबसे ये आश्वासन लिया गया कि सभी लोग आने वाले जो त्यौहार हैं उसको प्रेम भाईचारे के साथ मनाएंगे। होली के त्यौहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम, विद्युत विभाग सभी की जो अपने कार्य हैं, जैसे साफ सफाई, बिजली की आपूर्ति, पानी की सप्लाई, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। जहां पर होलिका लगाई गई हैं वहां पर विद्युत के जो तार ढीले वगैरह हैं उनको सब ठीक कराया जा रहा है
पुलिस प्रशासन अपने काम को करने के लिए लगातार सजग है कि कैसे हम इसको त्यौहार को सहारनपुर जिले में। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जुनेद और नासिर हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की है और राजस्थान हरियाणा सरकार पर इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जुनेद और नासिर हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने और पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और दोनों मृतकों के परिवारों के एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने और सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। आज राजस्थान सरकार के जहां सरकार चल रही है राजस्थान के अंदर दो मुस्लिम युवकों को पहले तो पीटा जाता है गोरक्षकों द्वारा, उसके बाद उन्हें एक कार में जिंदा जला दिया जाता है। 15 दिन से ज्यादा वो घटना घट चुकी है, लेकिन जिस प्रकार राजस्थान और हरियाणा सरकार का रवैया जातीय देखा जा रहा है, उसके संबंध में पूरे प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर ज्ञापन दिया जा रहा है। घटना इतनी गंभीर है और इतनी सोचनीय है कि इस देश के अंदर जहां समानता, मानवता, बुद्धत्व के लिए बात की जाती है, जहां समानता की बात होती है, आज वहां जातियों में बांटा जा रहा है। इसी राजस्थान के अंदर कन्हैया कुमार की हत्या की दी जाती है किसी के द्वारा, उस घटना के तुरंत बाद उन हत्यारों को गिरफ्तार भी किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाता है, घर में से 2 लोगों को नौकरी भी दी जाती है। उसी के विपरीत उसी राजस्थान में घटना घटती है जुनेद और नासिर की। योगी सरकार में भी बदमाशों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सुबह तड़के करीब आधा दर्जन बदमाशों ने भैंस चोरी के उद्देश्य से एक घर पर धावा बोल दिया और आंगन में सो रही एक मां बेटी को तमंचे की नोक पर बंधक भैंस को चोरी करने का प्रयास किया। महिलाओं के शोर मचाने पर ग्रामीण जमा होने लगे और तभी ग्रामीणों को आता देख बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और भैंस छोड़कर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। प्रवीण जी, आपके घर में घटना हुई है, क्या मामला पूरा? वो सुबह 4:30 बजे की बात है, 4-5 लोग आए थे, तो घर में जो बड़ी बूढ़ी माँ है, मेरी बेटियाँ हैं, उनको बंधक बना के अंदर से दोनों भैंसों को खोल के ले गए बाहर। बाहर चढ़ाते हुए उन्होंने भैंस को घायल कर दिया, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए। अच्छा, कितने लोग थे वो? करीब 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे? हाँ। अच्छा, घर में जो लोग थे उनके साथ भी? उनके साथ भी थोड़ी मारपीट हुई बड़ी लड़की के साथ, उसके थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। अच्छा, भैंस बच गई है आपकी? भैंस ले गए हैं? भैंस वो असल में चढ़ नहीं पाई, जो गिर गई दुनिया से, चोट हो गई है वो। अच्छा, तो वो लोग चले गए, फरार हो गए? फरार हो गए सब। मैं बता रहे हैं फायरिंग वगैरह भी की है? फायरिंग हुई है, 2-3 फायर हुए हैं, उसके लोग जो कारतूस का कवर होता है वो भी उनको बरामद कर लिया है, वो दे दिया उनको। अच्छा, कहाँ की घटना है ये? अहमदाबाद, ये गोपीराम हॉस्पिटल की बगल से। गंगा देवी जी, अभी तुम्हारे घर में घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? चोर घुसे आए, डकैत। अच्छा, क्या करने आए थे? लूटने ही आए थे। अच्छा, कितने लोग थे वो? हमारे 5-6 7-8। अच्छा, क्या क्या किया उन लोगों ने? बंदूक दिखा रही है। अच्छा, आप लोगों को बंदूक दिखा दी थी? हाँ, दिखा देगा। बैठी रही बुढ़िया बैठी रही, बंदूक हाथ दें वो। अच्छा, ताने ठाड़े रहो। भैंस ले गए आपकी या भैंस बच गई है? भैंस ले गए कि बाहर छोड़ गई, रहेगा ये बाहरी। चढ़ी ना। अच्छा, भैंस चढ़ी नहीं है। कहाँ का मामला है ये, कौन सी जगह है? संभल से खबर है, जहां पर एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया है और पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने का पूरा मामला नखासा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर महिला ने अपने पति पर अपनी 13 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाने का आरोप लगाया है और आरोप है कि शराब के नशे में मोहम्मद वसीम नाम के शख्स ने अपनी नाबालिग
बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं महिला ने अपने सास और ससुर पर भी दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पीटने का आरोप लगाया है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिशोल चंद्र ने बताया है कि बेटी के साथ रेप करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। मुझे गिरफ्तार विभिन्न मेरे पर केस लगाया। क्या है? तो लड़की का बलात्कार किया। लड़की का बलात्कार किया दस की आदत में। लड़की कौन थी? मेरी लड़की थी अपनी। और बेटी थी? हाँ। शराब पीते हो आप? हाँ कभी कभी पी लेता था, कभी कभी पी लूं। इसकी बात है? ये अभी 4-5 महीने पहले की बात है। कल थाना नखासा में एक बालिका के साथ कुछ लोगों द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने की घटना प्रकाश में आई थी। इस संदर्भ में तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही सात संकलन करते हुए प्रकरण में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बागपत से खबर है जहां राम रहीम की 40 दिन की पैरोल पूरी हो गई है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा आश्रम से ही गुरमीत राम रहीम बाहर निकल गया है और लग्जरी गाड़ियों के काफिले में ही सुनारिया जेल के लिए डेरा मुखी रवाना हुआ था और 21 जनवरी को पैरोल पर बरनावज आश्रम में राम रहीम आया था। पैरोल अवधि में 3 गाने लॉन्च करने के अलावा नौश विरोधी मुहिम के लिए सुर्खियों में भी राम रहीम था। तो आपको बता दें बागपत से खबर है जहां पर 40 दिन की राम रहीम की पैरोल जो है वो अब खत्म हो गई है। सहारनपुर थाना नागल पुलिस की अंतर्राज्यीय गैंग के ठगी करने वाले शातिर अभियुक्तों से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान नागल पुलिस ने 3 शातिर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1,48,000 रुपए समेत ही काफी मात्रा में अवैध असला भी बरामद कर लिया है। आपको बताते चले कि देर रात को ही सहारनपुर थाना नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कार सवार कुछ युवकों को रोकने का इशारा किया गया और कार सवार ये कौन है गाड़ी ना रोकते हुए उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी फायरिंग में ही पुलिस द्वारा घेराबंदी करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठगी करने वाले शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 3 शातिर ठग मुंबई, आजमगढ़ और बिहार के हैं। घटना में यह बताया गया था कि एक युवक से जब वो बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था तो 48,000 रुपए टप्पेबाजी से कुछ लोगों ने चोरी कर लिए गए और इसी क्रम में जब चेकिंग की जा रही थी 2 तारीख की रात्रि में तो बडौली से नौजली मार्ग पर एक रिट्स गाड़ी जो कि जिसमें ये 3 अभियुक्त सवार थे इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस की चेकिंग के जवाब में फायरिंग की तो इनका जब पीछा किया गया तो इन तीनों से एक अवैध 315 बोर की तमंचे बरामद हुए, जिंदा कारतूस बरामद हुए। फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो एक घटना का खुलासा हुआ जो कि अंतर्राज्यीय ठगी करने की एक बड़ा मामला सामने आया। इनसे पूछताछ में बताया कि एक अभियुक्त जो गैंग लीडर है इनका भावेश, ये निवासी है थाना खारगर नवी मुंबई का, महाराष्ट्र का। दूसरा है अब्दुल अव्वल, ये निवासी है अमीलो थाना मुबारकपुर आजमगढ़ का। और तीसरा है सिंटू, ये निवासी है जिला पटना बिहार का। इन्होंने पूछताछ पर बताया कि ये लोग महाराष्ट्र में मिले। कासगंज में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल किया है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के तृतीय जोन में कासगंज शामिल है। वहीं नदरिये गेट पर ही एनडीआरएफ के जवानों और पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीमों का संयुक्त अभ्यास हुआ और इस अभ्यास में भूकंप के दौरान कैसे जान बचाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया है और वहीं स्थानीय लोगों ने एनडीआरएफ की तत्परता और जज्बे को देख गर्व और जवानों के लिए तालियां भी बजाई। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मी की गुंडई एक बार फिर से सामने आई है। स्वास्थ्य कर्मी ने तीमारदार को गिरा गिरा कर जमकर पीटा है और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पूरे मामले में तहरीर पुलिस को दे दी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जा रही है। पिटाई का ये वायरल वीडियो मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल का है। जमीन पर गिरा कर जो पीटा जा रहा है वो बिमल नामक युवक है जो कि एक मरीज का तीमारदार है और पीटने वाला युवक
स्वास्थ्य कर्मी है जिसका नाम प्रकाश बताया जा रहा है। विमल अपने साथी को नाक से खून निकलने पर इलाज के लिए अपने साथ लेकर यहां आया था और यहां किसी बात को लेकर वार्ड बॉय प्रकाश उससे नाराज हो गया, जिससे गाली गलौज शुरू हो गई और उसको जमीन पर गिराकर खूब पीटा। पुलिस अधीक्षक नुपेंद्र ने बताया है कि पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हॉस्पिटल में मेरा नाम निखिल ले रहा था और हॉस्पिटल में गए हुए थे हम भाई की दवाई लेने, तो उसकी नाक से खून निकलने लगा था एकदम से अपने आप। तो वो स्टील की कोई डंडी टाइप की डाल लेते उसकी नाक में, तो हमने कहा हटो ये क्या कर रहे हो। इतने में उन्होंने हमें पकड़ के मारने लगे, तो जो मेरे साथ में जो दादा थे वो लोग चले आए, उठ के आ गए, उसने हमें पकड़ के बहुत मारा, ये सब चोट लगी हुई है ये इधर भी। किसने मारा वहाँ पे? वहाँ पे कंपाउंडर था शायद। वो अंदर में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एक वार्ड बॉय प्रकाश है, ये मामला संज्ञान में आया कि इनके द्वारा एक अमन श्रीवास्तव जो वहाँ इलाज करने गया था उसके साथ मारने पीटने का मामला आया है। उक्त में थाना स्तर से जांच और विधिक कार्रवाई की जाए। हरदोई के टड़ियावा थाना इलाके में एक तेज रफ्तार वाहन ने दो बाइक सवारों को कुचल दिया है, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है और घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बता दें आपको कि बघोरी थाना के बरखेड़ा गाँव निवासी राजेंद्र बाइक से अपने साथी थाना क्षेत्र के कोहली पूर्वा निवासी अतुल के साथ बाइक से ही अपने घर जा रहे थे और इसी बीच रास्ते में टडरियावा थाना क्षेत्र के पुष्पताली गांव के पश्चिम तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया और घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। टडरियावा थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति जो हरदोई से वापस जा रहे थे बघौली के लिए, जो बेनीगंज होके जाते, अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिनको घायल अवस्था में जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया था, जहां उन लोगों की मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, इसमें प्रार्थना पत्र लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। चले रुक करते अगली खबर की ओर। आगरा सदर क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है और बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के चलते विवाद में हत्या की गई है और वहीं पुलिस ने डीबीआर और एक पिस्टल बरामद कर लिया है। प्रॉपर्टी डीलर अनु चाहर की ऑफिस में यह हत्या बताई जा रही है। मनोहर शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई थी। सदर थाना क्षेत्र में 1 मार्च को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति की बॉडी खून में लथपथ वहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर के दुकान में पड़ी हुई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और उनके परिवारजनों के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद पुलिस विवेचना में जुटी और पुलिस ने पता लगाया कि वहां पे कौन कौन लोग थे और कैसे ये वाकया हुआ। पुलिस को जानकारी के मुताबिक और पूछताछ के मुताबिक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें है अनिल कुमार अनु चाहर, सदर बाजार का रहने वाला है। दूसरा पद्मी उर्फ पदम सिंह, ये भी सदर बाजार का रहने वाला है। प्रमोद शर्मा उर्फ गुल्लन, ये भी सदर बाजार का रहने वाला है। और चेतन फौजदार पुत्र भीम सिंह, ये भी सदर बाजार का रहने वाला है। और ऐसी खबर है जहां सहार ब्लॉक के वीडियो से परेशान महिलाओं और पुरुषों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर आत्मदाह का प्रयास किया है। बता दें आपको सहार वीडियो पर रिश्वत मांगने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं और रिश्वत ना देने पर आवास योजना में पात्रता रद्द करने का आरोप लगा है। जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने बताया है कि आरोपों की जाँच के लिए टीम गठित कर जाँच की जा रही है और इससे पहले भी वीडियो सहार का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। हमारी कॉलोनी आई और सिक्योरिटी भी गए जांच कर लई, मान हुई गई। हाँ, वीडियो साहब गए, उन्हें रुपया मांगे 15,000। वीडियो कौन? वीडियो साहब। आप फिर उन्हें वीडियो कहाँ की? सहार ब्लॉक से। हाँ, फिर उन्हें रुपया मांगे 15,000। बताओ हम गरीब आदमी कहाँ से रुपया दें। मैम फिर मेरी पहले आई कॉलोनी आई थी, पहले वीडियो साहब ने वो आए थे जाँच करने, तो बात कर गए, फिर वीडियो साहब गए 15,000 रुपया मांग रहे, बात नहीं कर रहे। मेरे पति मेरे आदमी पाँच और आदमी नहीं
हाथों नहीं घर पे चले गए, तो बाहर मजदूरी कर, हम बच्चा माए गई बड़बड़ा दूँ। अब सुबह से आए बच्चा मेरे पर, तब दूसरे घर है ढीली आए मजदूर आदमी, और बच्चा मेरे अकेले घर में ढीली, हम कहाँ पर आएंगे, मुझे घर में रहिए मेरी है नहीं, सब फटो ढाड़ो। वीडियो कहाँ के हैं? सार के। यहाँ पे अभी कोर्ट करते समय पता चला कि कुछ लोग ऐसा डाल ओन करके कर रहे हैं, तो हमारे सुरक्षा कर्मी ने रोक दिया उनको। फिर मैंने बुला के उनको पूछा कारण क्या है, तो उनका कहना है कि हमारा नाम सूची में है आवास के, बट हमारा नाम जो है हमें मिला नहीं अभी तक, तो हमारा नाम शायद कट गया है और हमारा नाम फिर से जोड़ने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये उनका कुल मिला जुला के छोक था, प्रधान जी भी साथ में थे। मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपका नाम अगर सूची में है तो क्यों कट गया, इसके लिए अगर वीडियो ने काट दिया, मैंने एक उच्च स्तरीय समिति बना दी, तीन विभाग के तीन अधिकारी ले लिए, एक रेवेन्यू से, एक एग्रीकल्चर से और एक पीडी का, कि वो देखें कि किस वजह से कट गया, कि उन गाँव में पूरा देखेंगे अगर उनके पास वास्तव में पहले से आवास है, यानी कटा तो सही कटा या गलत कटा। मऊरानीपुर शुक्रवार की दोपहर विकास खंड कार्यालय पर पहुंचे युवक ने ग्राम रोनी में मौजूद जमीन को लेकर कुछ कागजों के बारे में पूछा, बस थोड़ी ही देर में कार्यालय के अंदर गाली गलौज होने लगी। तबक युवक ने विकास खंड अधिकारी से अभद्र भाषा से खरी खोटी सुनाई है और देश के रक्षा मंत्री तक बुलाने की दम दे डाली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर तभी विकास खंड अधिकारी के द्वारा कोतवाली से पुलिस बुला ली गई और मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक धर्म सिंह अपने साथ उक्त युवक को थाने लाए, लेकिन कोतवाली में प्रार्थना पत्र दोनों तरफ से पुलिस को दिया गया। ये देखना है कि पुलिस के द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है। झांसी से खबर है, जहां शादी समारोह वाले घर में एक और जहां बेटियों की विदाई के बाद अन्य रस्में पूरी की जा रही थी, तो वहीं अचानक आग लग जाने से शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। बता दें बेटियों की शादी के बाद ही विवाह की अन्य रस्में घर में पूरी की जा रही थी, उसी दौरान अचानक एक सिलेंडर में आग लग गई जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। तो वहीं आग लगने से चार लोग आग की चपेट में आने के बाद भी झुलस गए हैं, जिसमें अन्नू, बंटी पुत्र रामचंद्र, मीना पत्नी जितेंद्र और संजय दावाद आग की चपेट में आ गए हैं। तो वही घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्लेवासियों ने एकजुट होकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।